Good morning to all of you, my dear students. My dear students, as you know that these days we are providing you lectures on the BA 5th sem, in which we have provided you all the lectures, all the topics which was given to you by the Kashmir University, in which we have discussed the first unit that was about the secondary education. Then we move and detailed discussion about the higher education, and then we have also discussed women education. In last, we have discussed value and environmental education, which is the need of the hour, and we highlighted the main important points regarding the value and environmental education. My dear students, तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब यहाँ से कम्युनिटी से जो रिलेटेड है, सोसाइटी से जो रिलेटेड है, हमारे मुल्क से जो इंडिया से रिलेटेड है, बहुत सारे यहाँ पर कमिट लिखा है कि ये जो NEP 2020 है, पिछले साल एक नई पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी जो डेवलप हुई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें थोड़ा बहुत अपनी व्यूज बोलिए वहाँ पर क्या क्या मेन पॉइंट्स है, कौन कौन से एरिया है, कौन कौन से नए चीज़ें उसमें इंक्लूड हुए हैं एजुकेशन सिस्टम में. तो आज हम आपके सामने आए हैं यहाँ पर, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि ये जो NEP नई एजुकेशनल पॉलिसी है 2020, उसमें जो मेन एरिया, क्योंकि ये सब सबको जानना जरूरी है, चाहे वो एजुकेशन के साथ रिलेटेड है या नहीं है, चाहे वो किसी भी लेवल पे एजुकेशन सिस्टम में हो, चाहे प्राइमरी लेवल पे हो, चाहे सेकेंडरी लेवल पे हो, चाहे कॉलेज लेवल पे हो, या इसी तरह से चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, इस नई पॉलिसी जो है इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट भी करना है, क्योंकि अभी तक ये पेपर पर ही है. तो हमारी रिक्वेस्ट भी है यहाँ पर गवर्नमेंट कि इसको ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जहां तक हमने इसका मुताला किया, स्टडी किया है, ये बहुत अच्छी मतलब पॉलिसी है एज फॉर द एजुकेशनल सिस्टम इज कंसर्न. तो इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा जोर है, वोकेशनल पे ज्यादा जोर है, स्किल ओरिएंटेड है, नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस हुए हैं. तो इसको ज्यादा से ज्यादा हमें ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंटेशन पार्ट पर हमें ज्यादा जोर देना है. अगर हम बात करते हैं तो ये जो नई पॉलिसी है NEP 2020, तो ये किस तरह से जो मेन क्रैक्स है, किस तरह से डिफर है फ्रॉम द अर्लियर पॉलिसी. तो उस पॉलिसी में आपको मिलता था 10+2+3, यहां पर देखो 10+2+3 प्लस स्ट्रक्चर आपको अर्लियर पॉलिसी में मिलता था. मगर ये जो पॉलिसी है NEP 2020, इसका जो मेन है, अगर हम मेन पॉइंट देखेंगे डिफर किस तरह से होता है ये अर्लियर से, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर है 5+3+3+4, तो ये मेन डिफरेंस है. अगर हम माय डियर स्टूडेंट्स आपको कोई बोलेगा मेन डिफरेंस क्या है, अर्ली पॉलिसी में 10+2+3 का स्ट्रक्चर था एजुकेशन का, हम 10th के बाद 12th पे 2 ईयर जाते थे, फिर हम 3 साल गुजारते थे ग्रेजुएशन में. मगर यहां पर एक नया है 5+3+3+4, इसको जानना जरूरी है कि ये 5+3+3+4 क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर है. इसी तरह से जो मेन और एक डिफरेंस है इसमें, यो ये है कि यहां पर स्टार्टिंग जो स्कूलिंग होती है एट द एज ऑफ 3 ईयर्स के बाद, जो बच्चा 3 ईयर का होता है, तो वहां पर स्कूलिंग स्टार्ट होनी चाहिए. तो ये मेन पॉइंट है रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020. और इसमें जो मेन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसको मतलब इंपॉर्टेंट बनाती है, वो ये है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इसका है कि इसने मदर रिलीजन, मदर टंग जो है, रीजनल लैंग्वेजेस पे है, उन पे ज्यादा जोर दिया है कि जहां पर हम लोकेलिटी में जो भी लैंग्वेज है वहां पर बच्चों को हम उसी एरिया उसी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं. तो इस पर भी जोर है. और जो भी बहुत सारे जैसे वोकेशनल कोर्सेज है, वोकेशनल गाइड मतलब प्रोग्राम्स है, जैसे ECC है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, इसी तरह एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, इसी तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ऐसे एरिया पर यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस है कि किस तरह से हम बच्चों को इन स्किल कोर्स वोकेशनल कोर्स में लाएंगे ताकि उनका जो इम्प्रूवमेंट हो जाए. तो यहाँ पर ये भी है. और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर इस पॉलिसी में आपको क्या मिलेंगे, नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन द साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरह से है कि अगर कोई बच्चा अभी कॉलेज में जाता था वो आर्ट्स लेता था तो वो साइंस सब्जेक्ट नहीं ले सकता था, मगर इस पॉलिसी की वजह से यहां पर एक इंप्रूवमेंट है कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सब्जेक्ट मतलब लेता है ग्रेजुएशन में, तो वहां से वो जूलॉजी का भी और एक से मतलब सब्जेक्ट ले सकता है. तो यहां पर ये फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम. जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यहां पर आपको फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम मिलेगा. वो यही है कि एक जो बच्चा है ये आर्ट से भी एक सब्जेक्ट ले सकता है, साइंस से भी एक सब्जेक्ट ले सकता है. तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है. और यहां पर जो मेन पॉइंट है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो ये है कि यहां पर 6th क्लास के बाद ही बच्चा वोकेशनल कोर्सेज या स्किल कोर्स सिलेक्ट कर सकता है. ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और जो कल मैंने आपको बोला और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, वो ये है कि दैट देयर इज अ, यहां पर क्या हुआ है, फोकस ऑन अटेनिंग
फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये जो लिटरेसी है एंड न्यूमरेसी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर है। अगर हम बात करेंगे क्रेडिट्स के बारे में कि यहाँ पर बहुत सारे क्रेडिट्स होंगे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्रेडिट्स सेव भी रहेंगे, उन क्रेडिट्स को हासिल करने के बाद ही उसको डिग्री मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता है तो अगर उसने फॉर एग्जाम्पल 6th month का मतलब अभी लिया है, 6th के बाद वो विड्रॉ करेगा, उसको वहाँ पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगी। उसके बाद अगर वो 1 साल करेगा उसको सर्टिफिकेट मिलेगी। उसके बाद अगर वो 2 साल या 3 साल कंप्लीट करेगा तब जाकर उसको डिग्री कोर्सेज मिलेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है यहाँ पर। और यहाँ पर स्पेशल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स है कि अगर बच्चा आता है उसके लिए यहाँ पर प्रोफाइल सेव रहता है एंट्री के लिए भी, और फिर वो एग्जिट भी कर सकता है, और फिर कुछ सालों के बाद अगर वापस आना चाहता है इस स्ट्रीम में तो वो आ सकता है, वहाँ से अपना स्ट्रीम जो है कोर्स स्टार्ट कर सकता है। तो ये यहाँ पर ज़रूरी जानना है कि और भी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर आपको दिखाया है, यहाँ पर जैसे कि चार स्टेजेस है, जैसे फाउंडेशनल स्टेज है पहला, फाउंडेशनल स्टेज जो पहला है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज। हाँ, यहाँ पर हम बोलते हैं इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है आपका प्रिपरेटरी स्टेज, और एक स्टेज है यहाँ पर उसको बोलते हैं मिडिल स्टेज, और लास्ट वाला जो है आपका दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टेज। गो, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, इसमें जो यहाँ पर स्ट्रक्चर रखा है एजुकेशन का वो 4 स्टेजेस में रखा है पहले, जैसे फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। अब यहां पर मैंने आपको पहले ही बोला है कि जो एजुकेशन स्कूलिंग है वो स्टार्ट है एट द एज ऑफ 3 इयर्स, तो 3 इयर्स के बाद ये जो फाउंडेशनल स्टेज है ये 5 साल का है, 5 साल का है ये 5 इयर्स। इसका मतलब है जब फाउंडेशनल स्टेज बच्चा जब इस स्टेज में आ जाएगा तो वहाँ पर उसके एज फॉर द एकेडमिक्स इज कंसर्न 2 साल का मुकम्मल हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, तो तब उसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। तब जाकर वो प्रेपरेटरी स्टेज में पहुँचेगा। प्रेपरेटरी स्टेज में हम उसको बोल सकते हैं कि वो वहाँ पर कौन कौन सा क्लास क्वालिफाई करेगा, जैसे 3rd क्लास, 4th क्लास एंड 5th क्लास, तो ये होगा प्रेपरेटरी स्टेज, उसको हम प्राइमरी क्लास भी बोलते हैं, 3rd 4th। फिर जाकर वो जाएगा मिडिल स्टेज में, तो मिडिल स्टेज में उसको जैसे 3 क्लासेस होंगे 6th से लेकर 8th तक, तो उसको हम मिडिल एजुकेशन बोलते हैं और मिडिल स्टेज। और जो ये नए एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो बहुत सारे यहाँ पर समझना ज़रूरी है, यहाँ पर बहुत सारे जो अभी यहाँ पर इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका जो ड्राफ्ट, इसका जो डॉक्यूमेंट है अभी पढ़ रहे, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर कि ये जो 12th क्लास है क्या ये ग्रेजुएशन में जाएगा, कि या ये जो 12th क्लास फिर वहीं पोजिशन पर रहेगा जहाँ पर ये था। तो ऐसी कोई बात नहीं। अब देखो इसमें मैंने ऑलरेडी बोला है 4 स्टेजेस है, फाउंडेशनल स्टेज है, प्रेपरेटरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, और लास्ट वाला है सेकेंडरी स्टेज। तो सेकेंडरी स्टेज में है आपका सही 9th से लेकर 12th तक। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर 4 ही क्लास रहेंगे हायर सेकेंडरी में या सेकेंडरी स्कूल जिसको हम बोलते हैं 9th से लेकर 12th तक। तो उसके बाद यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जब हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पर अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, 4 साल का, पहले तो 3 साल वही एकेडमिक्स, फिर वो एक स्किल कोर्स या बाकी जो टेक्निकल कोर्स वो 1 साल में वहाँ पर कर सकता है। तो ये था फाउंडेशनल, यही तो 4 स्टेजेस था, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकंड स्टेज। तो उसके बाद भी हमने कल बहुत सारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, जैसे मैंने आपको बोला है स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी 5+3+4, ये आपको मदर टंग इज देयर इज ए मोर एम्फेसिस ऑन द मदर टंग, एंड वन मोर पॉइंट इज नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन द साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दैट इंटर्नशिप एंड वोकेशन एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 से लेकर यहां पर बच्चों को स्किल कोर्स या वोकेशन कोर्स सब्जेक्ट वो सिलेक्ट कर सकता है। एंड देन वन मोर पॉइंट इज यहां पर बच्चे का मेन फोकस होता है फाउंडेशनल एंड लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर ज्यादा जोर है। तो यहां पर मैंने आपको कल बोला फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, तो यहां पर बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम मिलेगी, वो इंपॉर्टेंट समझना है। देयर विल बी फ्लेक्सिबिलिटी, जो आपको बार बार मैंने बोला फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम, कि यहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे आप एट अ टाइम मतलब साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकते हो और आर्ट सब्जेक्ट का, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। और वन मोर पॉइंट इज दैट मैंने आपको कल बोला कि यहाँ पर है कि 12th के बाद ये जो है डिग्री कोर्स स्टार्ट हो गए एज फॉर द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी इज कंसर्न। सो दीज वर सम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। होप दैट यू विल हैव एंजॉयड एंड बी कनेक्ट
कनेक्टेड, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो हमारी चैनल है डॉक्टर रईस अहमद, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारी चैनल से ज़्यादा जुड़ते रहे, ताकि जो भी बाकी है, जो बाकी आपके फ्रेंड्स है, कुलीग्स है, वहाँ उन तक ये जो मैसेज है ये पहुँचाइए, ताकि वो भी इस चैनल में आ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो जाए। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मगर इससे पहले कि हम यहाँ पर आज का ये टॉपिक क्लोज करते हैं, मगर आपको क्या करना है, आप हमारे जो वीडियोस है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।